समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ काकोरी शहीद स्मारक से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा निकाली। क्या संदेश दिया इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी यूपी में एक बार फिर एक्टिव हो गई है। 2012 में युवा जोश के साथ सत्ता पर काबिज हुए अखिलेश यादव ने भी अभी से मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता के मुद्दों को अखिलेश लगातार उठा रहे हैं। इसके अलावा हर घटना पर जिलों में पहुंच रहे हैं। अखिलेश के सिपाही अपने नेता अखिलेश को 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। इसीलिए विवेकानंद जयंती के मौके पर लखनऊ के काकोरी से साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई, जो जनेश्वर मिश्रा पार्क पर खत्म हुई। जयंती पर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे ये समाजवादी पार्टी की जो साइकिल यात्रा है। अब जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंच चुकी है। तमाम बड़े नेता यहां पे साइकिल यात्रा में शामिल हुए। साइकिल यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, राजेंद्र चौधरी, सुनील सिंह साजन समेत सपा के कई सीनियर नेताओं ने भी शिरकत की और कहा कि अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और 2022 में सपा की सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। वहीं सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला भी बोला कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। सरकार द्वारा छात्रों की फीस बढ़ाई गई है। सरकार द्वारा महंगाई लगातार बढ़ाई जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इन सारे मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने शहीद स्थल काकोरी से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक की साइकिल यात्रा की है। जो निरंकुश सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो आताताई सरकार है, इस योगी सरकार के कान आंख समाजवादी पार्टी के नौजवान खोलेंगे। हम लोग लगातार जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे। जो मूलभूत जरूरतें हैं हमारे देश और प्रदेश की, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। अखिलेश यादव की भले ही मायावती से दूरियां हों, लेकिन साइकिल यात्रा के दौरान बाबा साहेब के पोस्टर भी देखने को मिले। सपा पूरी ताकत से मिशन 2022 में जुट गई है। सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। इधर कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी का 48वां जन्मदिन है।